यूपी के झांसी में डांडिया कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। यहां कई लोग लाठी और डंडा लेकर पहुंचे थे और खुद को हिंदू संगठन का कार्यकर्ता बताकर लोगों का आधार कार्ड और कार्यक्रम की परमिशन देख रहे थे, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर हंगामा हो गया। पुलिस ने ऐसे 21 लोगों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में स्थित मॉलिक्यूल होटल में 5 अक्टूबर की रात में डांडिया कार्यक्रम होना था, जिसमें शामिल होने के लिए महिलाएं और पुरुष जा रहे थे। इसी दौरान गले में पीला गमछा पहने कुछ लोग लाठी और डंडे लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने कार्यक्रम की परमिशन देखते हुए कार्यक्रम में आने वाले लोगों के आधार कार्ड देखने शुरू कर दिए। बस फिर क्या था, वहां हंगामा हो गया। इसकी सूचना नवाबाद थाने की पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी करते हुए स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें पकड़ कर थाने ले गई, जहां होटल के सुरक्षा कर्मी की लिखित शिकायत के आधार पर सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन या तो खुद मनुष्यों को रोके, अगर हिंदू समाज सामने आता है तो बजरंग दल हिंदू समाज के पीछे खड़ा है, अगर हिंदू समाज की अस्मिता को बचाता है तो बजरंग दल उठने का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा।